हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये डिस्कस किया है। बीटेक के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मॉड्यूलेशन के बारे में नहीं पता, या अगर पता भी है तो वो इसका बेसिक नहीं जानते कि आखिर मॉड्यूलेशन एक्चुअल में है क्या चीज़। तो दोस्तों, आज मैं आपको मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, जो कि बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बीटेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस में है, तो मॉड्यूलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आज हम इस मॉड्यूलेशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं मॉड्यूलेशन की अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट डेफिनेशन की बात करूँ, तो मॉड्यूलेशन का मतलब है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरिंग वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए पीरियोडिक वेवफॉर्म कॉल्ड द कैरियर सिग्नल विद अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दैट टिपिकली कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड। लेकिन अब ये सारे डेफिनेशन हमें किताबों में मिल जाती हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर किताबों से कुछ समझ आ जाए तो फिर हमारी जरूरत क्या है, राइट? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट मॉड्यूलेशन का है क्या। देखिए दोस्तों, आखिर मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमारे स्टूडेंट्स को है वो ये है कि विदाउट मॉड्यूलेशन हम सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। आप विदाउट मॉड्यूलेशन भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हो। इसका अगर आप मेरे से एग्जांपल पूछे तो मैं आपको लैंडलाइन फोन का एग्जांपल दूंगा, जहां पे विदाउट मॉड्यूलेशन भी आप दिल्ली से मुंबई आराम से बात कर सकते हैं, वहां पे मॉड्यूलेशन नहीं होती। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि मॉड्यूलेशन के बिना आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, या दूरी भी अगर दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। मॉड्यूलेशन आपकी एक हेल्प करता है कि आपका सिग्नल जो है वो अच्छे से ट्रांसमिट हो जाए और एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो जाए। तो आखिर मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, आखिर मॉड्यूलेशन की जरूरत मुझे क्यों है? तो इसको मैं आप छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए कि अगर मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक मेरे को जाना है, कहीं सपोज ये मेरा ऑफिस है और मेरे को 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ अगर मैं आपसे पूछूं? तो आप कहेंगे कि पैदल जा सकता हूँ, आप कहेंगे मैं साइकिल से जा सकता हूँ, आप कहेंगे मैं बाइक से जा सकता हूँ। कार से 2 किलोमीटर का ट्रैवल करना, चलिए आप पैसे वाले, आप कार से भी जा सकते हैं। क्या आप ट्रेन से जाएंगे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने? शायद नहीं। प्लेन से जाएंगे आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने? आप कहेंगे नहीं। चलिए अच्छी बात है, मैं डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ। अब मैं डिस्टेंस कर देता हूँ, यहाँ से मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो 10 किलोमीटर दूर के लिए अब मेरे पास मोड ऑफ ट्रैवल मेरा क्या क्या रहेगा? तो आप कहेंगे मैं पैदल, 10 किलोमीटर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चलिए पैदल से नहीं जाते, हम साइकिल से जाते हैं। आप साइकिल से जा सकते हो, आप बाइक से जा सकते हो, आप कार से जा सकते हो। क्या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगेन आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहोगे, कवर करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। प्लेन से? बिल्कुल नहीं। चलिए बात समझ आती है। अब मेरा डिस्टेंस बढ़ के 100 किलोमीटर हो गया, क्या अब मैं पैदल जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। क्या अब मैं साइकिल से जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। क्या अब मैं बाइक से जा सकता हूँ? हाँ, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बाइक से मैं कवर कर सकता हूँ, ठीक है, टाइम लगेगा बट कर सकता हूँ। कार से और ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो शायद कार उस केस में बेहतर होगी अगर मेरा डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है। समझ आ रही है बात? ट्रेन, हाँ ठीक है, हो सकता है ट्रेन से भी आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, पैसेंजर ट्रेन चलती है या नॉर्मल ट्रेन से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी आप ट्रेन से कवर कर सकते हैं। बट अगर प्लेन की बात करें तो नहीं, आप प्लेन से नहीं जाएंगे, दिल्ली से मेरठ आप प्लेन से नहीं जाएंगे, ठीक है, आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। अब डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, अब दिल्ली टू मुंबई आपको जाना है, दिल्ली से मुंबई आपको जाना है, डिस्टेंस होगा तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास, 800 किलोमीटर के आसपास। तो अभी आप कैसे जाएंगे? पैदल आप नहीं जा सकते, साइकिल से आप नहीं जा सकते, बाइक से आप नहीं जा सकते, कार से भी आप नहीं जाओगे। अब आपके पास ऑप्शन बचे दो, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप प्लेन से जा सकते हैं। यानी ऐसे केस में अब या तो मैं ट्रेन से जाऊंगा या प्लेन से। ट्रेन से जाने में लगभग मुझे 24 घंटे का टाइम लगेगा, उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, प्लेन से मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अब मुझे जाना है दिल्ली से कनाडा, क्या अब मैं कैसे जाऊं? अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, प्लेन से जाने का, यानी अब मैं ट्रेन से भी नहीं जा सकता। इससे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मेरी समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा मोड ऑफ ट्रैवल जो है, जिस तरह जाने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। छोटे डिस्टेंस के लिए कुछ और तरीका था, बड़े डिस्टेंस के लिए कुछ और तरीका था, जब मेरे को दिल्ली से कनाडा जाना है तो मेरा तरीका कुछ और है। दोस्तों यही मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन वो तरीका है जिससे आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं टाइमली मैनर में, आप एक टाइम के अंदर जाते हैं। आप अगर मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे ही है कि आप पैदल चल रहे हैं यहाँ से कनाडा तक, या यहाँ से आप नेपाल तक आप पैदल जा रहे हैं, तो उसमें वक्त लगेगा लेकिन आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है,
इम्पॉसिबल नहीं है। यही मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो काम है वो फास्ट होगा, बिना एरर के होगा, एरर लेस होगा। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मॉड्यूलेशन है क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल किया गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहाँ एक टर्म का इस्तेमाल किया गया कैरियर सिग्नल। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मॉड्यूलेशन के अंदर। मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए सपोज मैं सपोज दिल्ली से मुंबई नहीं जाते, अभी चंडीगढ़ तक जाते हैं। तो अगर मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो मैं कार से जा रहा हूं, ठीक है। ये मेरी कार है, बड़ी अच्छी फीएट कार, ठीक है। शीशे भी बना देते हैं, पहिए भी बना देते हैं, ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। चलिए तो अब ये मेरी एक कार, इस कार के अंदर मैं बैठा हूं, बड़ी अच्छी बात, स्टीयरिंग लगा हूं। दोस्तों ये जो मेरी कार है ये मेरा कैरियर सिग्नल है, और ये जो बंदा अंदर बैठा है ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मतलब क्या है इसका, इस बात का मतलब क्या है कि ये मेरा कैरियर सिग्नल है, ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से चंडीगढ़ सपोज मुझे किसी कॉलेज में जाना है, सपोज सेमिनार देने जाना है मुझे पीईसी के अंदर, ठीक है, मुझे सेमिनार देने जाना है, तो सेमिनार देने मुझे जाना है, मेरी गाड़ी में नहीं जाना, समझ के बात। सेमिनार मुझे देना है कॉलेज के अंदर जाके, मेरी गाड़ी में नहीं देना। पर क्या मैं बिना गाड़ी के दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। यानी ये जो होगा ये मेरा कैरियर सिग्नल है जो मुझे वहां तक लेकर जाएगा, लेकिन वहां जरूरत मेरी कार की नहीं है, मेरी है, सेमिनार मुझे देना है, कार को नहीं देना। तो वहां पे क्या होगा, कार को मैं पार्किंग में लगा दूंगा, मैं सेमिनार देने जाऊंगा। कुछ ऐसा ही होगा मॉड्यूलेशन के अंदर, आप अपने सिग्नल को रिसीव करोगे, मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल उसको लेकर जाएगा डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन पे कैरियर सिग्नल को आप ब्लॉक कर दोगे और अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आप रिसीव कर लोगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि आपको मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। आप एफएम सुनते होंगे, आप सभी एफएम सुनते हैं। मैं आपसे अगर बेसिक सा सवाल पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि एक ह्यूमन बॉडी कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल सुन सकती है, ह्यूमन बॉडी की ऑडियो जो रेंज होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज उसको बोलते हैं, वो क्या होती है, एक ह्यूमन बॉडी की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो आप कहेंगे ह्यूमन बॉडी की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। यानी इस फ्रीक्वेंसी के बीच का अगर कोई सिग्नल है तो वो एक इंसान सुन सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा या इससे कम है, 20 हर्ट्ज से कम है या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, तो वो एक इंसान नहीं सुन सकता। इसका सिंपल सा मतलब ये है, हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज में सुन सकते हैं। जब आप नॉर्मली बात करते हैं तो हमारा सिग्नल होता है 3.4 किलो हर्ट्ज के आसपास, जब आप गाना सुनते हैं तो हमारा सिग्नल होता है 14 किलो हर्ट्ज के आसपास, यानी वो इस रेंज के अंदर लाइक करता है। इससे कम आप नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा आप नहीं सुन सकते। लेकिन अब मजे की बात यह है कि जो आप एफएम सुनते हो, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो दिल्ली के अंदर 98.3 मेगाहर्ट्ज ये हमारा चलाया जाता है। यहां जो फ्रीक्वेंसी है वो मेगाहर्ट्ज में है, अगर आपको नजर आ रहा है, किलोहर्ट्ज में नहीं है, यानी 10^6 है हर्ट्ज में, अगर बात करूं। समझ आ रही है आपको? यानी इससे बहुत बड़ी रेंज है, 20 किलोहर्ट्ज से बहुत ज्यादा है, फिर आप गाना कैसे सुन पा रहे हैं? 98.3 मेगाहर्ट्ज आपको इस फ्रीक्वेंसी पर गाना सुनाई दे रहा है। तो आखिर में आखिर ये क्या चीज क्या है? ये 98.3 मेगाहर्ट्ज आपका कैरियर सिग्नल है जो आपके उस सॉन्ग को यानी कि उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को साथ में लेके चल रहा है। समझ आ रही है बात? ये 98.3 मेगाहर्ट्ज आपका कैरियर सिग्नल है जो आपके एफएम रिसीवर तक आएगा। आपके एफएम रिसीवर में जो आपका एफएम रिसीवर होगा उस रिसीवर में एक लो पास फिल्टर लगा होगा। ये लो पास फिल्टर इस हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा 98.3 मेगाहर्ट्ज को और किलोहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, क्योंकि इसका नाम ही है लो पास फिल्टर, यानी लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। कुल मिला के आपकी गाड़ी वहीं पर रह जाएगी और पर्सन निकल के बाहर चला जाएगा और आपको गाना सुनाई देगा, लो पास फिल्टर। समझ आ गया? तो ये है मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप हायर फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को भेजते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे भेजता हूं 20 किलोहर्ट्ज पे, तो ये कुछ ऐसा है कि मैं पैदल जा रहा हूं, लेकिन मुझे पैदल नहीं जाना, मुझे टाइम से पहुंचना है, तो मैंने गाड़ी का इस्तेमाल किया, मैंने हायर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया। ये हायर फ्रीक्वेंसी कार है, आप इससे हायर फ्रीक्वेंसी चाहते हो, क्योंकि अभी तो मैं दिल्ली के अंदर ट्रांसमिट करा रहा हूं, आपने दिल्ली से कनाडा सिग्नल भेजना है तो और हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपने प्लेन से जाना है
तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 98 ना होकर 900 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और बड़ी रेंज में आ जाएगी। यानी कि अब आप प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन का इस्तेमाल ना करके, आप जितनी हायर फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं इसका मतलब आप उतने फास्ट मोड ऑफ ट्रैवल या मोड ऑफ कन्वेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी के बाद ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन के बाद आप प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी पे आप जा रहे हैं उतना ही फास्ट मोड ऑफ ट्रैवल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपका सिग्नल एफिशिएंटली और एक टाइमली आपका पहुंच जाए अपनी डेस्टिनेशन तक। वहां जाके इंफॉर्मेशन आपकी वही है, इंफॉर्मेशन हमेशा आपके कैरियर सिग्नल पे बैठ के जाती है, उस पे सुपर इम्पोज होके जाती है। जैसे कि मैं इस गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, यानी कैरियर सिग्नल पे मेरी इंफॉर्मेशन हमेशा बैठ के जाएगी, सुपर इम्पोज होके जाएगी। सपोज अगर ये मेरा सिग्नल है तो इसी सिग्नल के ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी, इसी सिग्नल के साथ साथ मेरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी। लेकिन डेस्टिनेशन पर जाके मैं इस वाले सिग्नल को यहाँ से निकाल दूंगा और मेरे पास सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन बचेगी और वो मेरे को सुनाई देगी। समझ आ रही है आपको बात? तो ये है मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट। बाकी अभी हम इसमें आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में क्या क्या चीजें हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। राइट, आई होप आपको मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके आगे हम डिजिटल मॉड्यूलेशन पे आते हैं।